नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। और सुबह की सबसे ताजा तरीन खबर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के तमिलनाडु दौरे को लेकर आ रही है, जहां आज राष्ट्रपति तमिलनाडु का दौरा करेंगे और वे चेन्नई स्थित कावेरी अस्पताल में डॉक्टर एम करुणानिधि से भी मिल सकते हैं। और अगली खबर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को लेकर आ रही है, जहां किरण रिजिजू राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एवं NDRF के अधिकारियों की टीम के साथ आज नागालैंड के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। और अगली खबर गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है, जहां राजनाथ सिंह ने कहा है कि ग्रामीण बैंक देश की बैंकिंग व्यवस्था की रीढ़ है। लखनऊ में ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त द्वारा सभी ऋण खाता धारकों के लिए शुरू की गई निःशुल्क आर्यावर्त दुर्घटना व विकलांगता बीमा योजना का विमोचन करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ऐसी योजनाओं का विशेष महत्व है, इससे गाँव और गरीब के बीच विश्वास का भाव बढ़ता है। और अगली खबर आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर आ रही है, जहां गूगल ने अपनी गलती पर सफाई देते हुए कहा कि वर्ष 2014 में ही UDI हेल्पलाइन और आपदा हेल्पलाइन नंबर 112 को कोड कर दिया गया था। और अगली खबर उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण को लेकर आ रही है, जहां उत्तर कोरिया लगातार दावा करता आ रहा है कि उसने परमाणु प्रशिक्षण स्थल को बंद कर दिया है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार किम जोंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दे रहे हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही है कि उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को नहीं रोका है। उसने साल 2018 में लगातार अवैध रूप से जहाज के जरिए पेट्रोलियम उत्पादों और कोयले का हस्ताक्षर जारी रख सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशन का भी उल्लंघन किया है। और अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के शुरुआत की तैयारियों का जायजा लिया। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके तहत 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवार को सहायता करने का लक्ष्य रखा गया है। और अगली खबर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर आ रही है, जहां मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के और लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रति केंद्र सरकार बहुत गंभीर है। दिल्ली यूनाइटेड क्रिश्चियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को कंप्यूटर केंद्र समर्पित करने के बाद नकवी ने कहा, सरकार ने पिछले 4 वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के 2,50,00,000 से अधिक छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की है। और अगली खबर बिहार के मुजफ्फरपुर मामले को लेकर आ रही है, जहां कल शाम दिल्ली के जंतर मंतर RJD नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में धरना दिया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और JNU के अध्यक्ष कन्हैया कुमार सहित कई नेता शामिल हुए और नीतीश सरकार के नाकामियों का खुलासा करने का दावा किया। और अगली खबर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर आ रही है, जहां नितिन गडकरी ने शनिवार को आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गरीब की कोई जाति नहीं होती है, सरकार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि गडकरी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब BJP शासित 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। और अगली खबर बिहार के गया से आ रही है, जहां गया शहर के विकास के लिए उद्योग व्यवसाय से जुड़े लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। सरकारी विभागों के साथ सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक का अध्यक्ष डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप के नेतृत्व में हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा कि प्रशासन का गवर्नेंस वन वे से नहीं हो सकता, लोकतंत्र में सबकी भूमिका है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिल्डर और BIA की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। सब मिलकर काम करेंगे तभी विकास होगा।
और सुबह की अगली खबर पंजाब के पठानकोट से हमारे संवाददाता कमल रंधावा बता रहे हैं कि जहां एक तरफ पंजाब सरकार की ओर से राज्य में सेहत सुविधाएं देने की बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, वहीं अगर हल्का सुजानपुर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर नजर मारी जाए तो वहां पे हर एक सुविधा तो मौजूद है, लेकिन जो एक हेल्थ सेंटर में होनी चाहिए वो सुविधाएं डॉक्टरों के बिना किस काम की है। जी हाँ, इस हेल्थ सेंटर में कुल 6 डॉक्टर की जगह है, लेकिन अभी एक ही डॉक्टर मौजूद हैं। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से हमारे संवाददाता संजय राठौर बता रहे हैं कि लखीमपुर खीरी पहुंचे सीएम योगी ने बाढ़ का हवाई निरीक्षण किया। हवाई निरीक्षण कर शारदा नगर बैराज पर अफसरों के साथ बातचीत की। बैठक में सभी अधिकारी को सख्त आदेश देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी तरह की जनहानि हुई तो अफसर जिम्मेदार होंगे। आगे सीएम ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी, किसी भी तरह की लापरवाही हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से हमारे संवाददाता सरफराज खान बता रहे हैं कि बारिश की ऋतु आते ही संक्रामक रोग अपना भयावह रूप धारण कर लेती है, जिसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि शामिल है, जिसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के MOIC ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में रोगियों की बढ़ती संख्या में खुजली के मरीजों की संख्या अधिक है। अभी संक्रामक रोगों ने पैर पसारे नहीं है, लेकिन संक्रामक रोगों से निपटने के लिए पूरी तैयारी अस्पताल द्वारा कर ली गई है। और अगली खबर हरियाणा के तितरमपुर से हमारे संवाददाता मनोज मलिक बता रहे हैं कि जहां एक तरफ बिजली विभाग सरकार की जगमग योजना का व्याख्यान करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग के बड़े अधिकारी बिजली विभाग और सरकार के दावों की बत्ती गुल करने पर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि गांव तितरमपुर के लोगों ने सरकार को जमीन देकर प्रदेश के मुखिया से लंबी मांग पुकार के बाद किसी तरह 33 KV पावर हाउस गांव में स्थापित तो करवा लिया, लेकिन जल्दी ही इस पर भ्रष्टाचार की काली छाया पड़ गई। भ्रष्टाचार का ये आरोप किसी क्लर्क पे नहीं बल्कि पावर हाउस की जिम्मेदारियों को संभालने वाले SDO पर लगा है, जहां बिजली घर के स्टोर में ट्रांसफार्मरों की रिपेयर पर भारी गोलमाल की शिकायत की गई है। और शिकायतकर्ता कुलदीप सिंह ने बताया है कि SDO ने इससे पहले भी इस तरह के काम किए हैं। तो ये थी आज सुबह की कुछ ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।